Hey, how's it going everyone? My name is Maripen. Welcome back to another video. Guys, आज की main video start करने से पहले एक बहुत ही precious चीज है जो कि मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ. I don't know कि तुम लोगों को कैसी लगेगी, but please do let me know in the comment sections. So 3, 2, 1. Yo everybody, welcome back to Smarty Pies Variety Content YouTube Channel. So, आज की वीडियो की शुरुआत में करने वाला हूँ एक छोटे से व्लॉग के साथ. So, तुम में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि आजकल मैं अपने विलेज गया हुआ हूँ जस्ट फॉर अ स्मॉल लिटिल वेकेशन, ताकि मुझे थोड़ा सा मेंटल पीस मिल सके. इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आज की वीडियो की शुरुआत मुझे करनी चाहिए अपने खेत में बैठकर, जो कि मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ. एंड तुम में से मैक्सिमम लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी कि तुम लोगों को देखना है मेरा खेत का व्लॉग. एंड इसी के साथ साथ आप में से कई लोगों ने आज तक सेब को पेड़ के ऊपर लटके हुए नहीं देखा है, जो कि तुम लोग मेरे पीछे इस वक्त देख सकते हो. सो डोंट वरी गाइस, तुम्हारा स्मार्टी भाई यहाँ पर है. मैं तुम लोगों को आज ये सब चीजें दिखाने वाला हूँ. सो आई होप कि तुम लोगों को ये चीज पसंद आएगी. सो गाइस, शुरू करते हैं बिना टाइम फोड़े. Golden apple. खेत में ना आने का सबसे बड़ा रीजन पता क्या है? ये तुम लोग मेरा पैर देख रहे हो, कितना ज्यादा लाल हो चुका है. सीरियसली बता रहा हूँ, कम से कम 50 जगह से मेरे को मच्छर काट चुका है सुबह से लेकर. इसीलिए गाइस, नाउ इट्स टाइम टू गो बैक. पर जाने से पहले मैं तुम लोगों के लिए एक बहुत ही रिस्की काम करने वाला हूँ, जो कि यहाँ से एक सेब को तोड़ना. आई डोंट नो कि मुझे कितनी गालियां पड़ने वाली है सेब को तोड़ने के बाद, बट स्टिल मैं इतना रिस्क तुम लोगों के लिए लेने वाला हूँ. सो Yes, because premature shape को यहाँ पर तोड़ना किसी गुनाह से कम नहीं है. जाने से पहले एक आखिरी चीज मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ, वो नीचे तुम लोग वहाँ पे नदी पर फोकस करना. मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करूंगा एंड तुम लोग देख सकते हो कि नदी के सीधा ही पीछे लोगों ने क्रिकेट खेलने के लिए एक स्टेडियम बनाया हुआ है. एपिक, एकदम एपिक. सो गाइस, अब बस मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा अपने घर के लिए, बिकॉज ज्यादा नहीं, मुझे बस 1 से 1.5 लाख मच्छरों ने काट दिया पूरे शरीर पे. एंड अब मुझे घर जाकर रेस्ट करना पड़ेगा. हेलो एवरीवन, आई एम बैक फ्रॉम द खेत एंड आज मैं अपने विलेज के घर के अंदर यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. एंड मैं तुम लोगों को बोल भी नहीं सकता है कितनी अच्छी फीलिंग है. आई एम फीलिंग सो गुड टुडे. एंड आज हम लोग क्या करने वाले हैं तुम लोगों को ऑलरेडी पता है. आज हम लोग फिर से रिएक्ट करने वाले हैं माइनक्राफ्ट के कुछ वायरल टिकटॉक हैक्स के ऊपर. एंड देखने वाले कि काम करते भी है कि नहीं करते हैं. एंड गाइस, चेक दिस आउट, मैं अपने टेडी बियर को भी लेकर आया अपने गाँव आज, बिकॉज बिना मेरे टेडी बियर के ये रिव्यू वीडियो बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. बिकॉज आई नो कि तुम लोगों को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोग मेरे टेडी बियर के रिव्यू सुनने के लिए आते हो. सो गाइस, बड़ा अपने पहले माइनक्राफ्ट हैक की तरफ. एंड ऑलरेडी मेरे को यहाँ पर मुंह के सामने देख चुके हैं कुछ स्टिकी पिस्टन्स. आई थिंक यहाँ पर ये फिर से कोई ना कोई रेडस्टोन का काम करने वाले हैं. आई एम वेरी एक्साइटेड, बिकॉज रेडस्टोन के साथ जितने भी वायरल हैक्स होते हैं ना, इनमें कोई ना कोई एपिक चीज बनाई होती है. जैसे कि लास्ट एपिसोड में लोगों ने एक बहुत ही एपिक एंट्री गेट बनाया था अपने वर्ल्ड के लिए. एंड सी, रेडस्टोन रिपीटर्स का काम यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुका है. रेडस्टोन डस्ट एंड रेडस्टोन टॉर्च का भी इस्तेमाल किया हुआ है इसने. एंड देन दूसरी साइड के लिए भी इसने एग्जैक्ट सेम प्रोसेस को रिपीट किया हुआ है. वेरी सिंपल, वेरी इजी. यहाँ पर करने क्या वाला है, और मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं वीडियो को एक्चुअल में 0.5 के स्पीड में देख रहा हूँ, ताकि मुझे एक्चुअल में पता चल सके कि क्या करने वाले हैं. ओके, तो भाई ये कुछ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश हो रही है. ओ ये क्या, वो ट्रिप वायर रुक गई फिर से. ओ भाई, ट्रिप वायर रुक गई, सी इसने यहाँ पर स्ट्रिंग लगाई है. ओके भाई, मुझे लग रहा है कुछ बहुत ही एपिक चीज बनाने वाले यहाँ पे. इसके एंड में क्या होगा, आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट. ओके, तो इसने यहाँ पर क्या कर दिया, जो इसके पिस्टन्स है उसको इसने छुपा दिया है प्लैंक्स के साथ. एंड लास्ट में इसने ब्लॉक ऑफ डायमंड्स लगाए हुए हैं. ओके, तो क्या होगा इससे. ओके भाई, एपिक एपिक, ये एक रेडस्टोन का ट्रैप है इसने बनाया हुआ. ओ लास्ट में इसने कुछ डायमंड के ब्लॉक्स लगाए थे, एंड कोई इसको चोरी करने के लिए आएगा तो वो डायरेक्ट वर्ल्ड में गिर जाएगा. एंड इस चीज को मैं अपने वर्ल्ड में कहां पर यूज कर सकता हूँ, मुझे सोचना पड़ेगा. एंड मेरे दिमाग में एक आइडिया आ भी चुका है. तो इस चीज को गाइस मैं टेस्ट करने वाला हूं अपने 1 ब्लॉक के वर्ल्ड में, बिकॉज 1 ब्लॉक के वर्ल्ड में ही मुझे यहाँ पर मिलने वाला है एक वॉइड. ओके, एंड मैं इस चीज को कुछ ऐसे सेट करने वाला हूँ कि अगले बंदे को मैं बहुत ही तगड़े वाला लालच दे सकूं. बिकॉज मेरे 1 ब्लॉक के वर्ल्ड में गाइस मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे ओर्स है, तुम लोग देख सकते हो मैंने सजाए हुए हैं. तो इन्हीं ओर्स का लालच देकर मैं यहाँ पर एक ट्रैप को बनाना चाहता हूँ. एंड मेरे दिमाग में ना ऑलरेडी एक आइडिया आ चुका है, बहुत ही धासु आइडिया आ चुका है मेरे दिमाग में ऑलरेडी. मैं ऐसा करता हूँ, सारा का सारा सामान प्रिपेयर करता हूँ एक बार, एंड देन मैं तुम लोगों को बताता हूँ वो आइडिया क्या है. सो गाइस, क्या तुम लोगों को याद है, आज से कुछ एपिसोड्स पहले 1 ब्लॉक के वर्ल्ड में मेरे पर बहुत सारे स्लाइम ब्लॉक्स ने हमला किया था.
भाई 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 ये भी अबे भाई खत्म कर दे गई मेरे को ऐसे करके। जगह दे जाने की भाई, मेरे जगह ही नहीं दे रहा जाने की। क्यों अजीब से गुब्बारा है भाई ये तो यार। या आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि थैंक गॉड उस दिन उन लोगों ने मेरे पर हमला किया था, अदरवाइज मैं ये स्टिकी पिस्टन्स नहीं बना पाता आज। एंड मैंने डिसाइड किया हुआ है कि मेरा जो ये पिरामिड है ना, इस पिरामिड का इस्तेमाल मैं करने वाला हूँ उस ट्रैप को बनाने के लिए। एंड आई नो कि तुम लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया होगा मैं कैसे कर सकता हूँ इस चीज को। जस्ट चेक दिस आउट गाइस। Alright guys, basic मेरा सारा का सारा यहाँ पर बन चुका है। बस मेरे को अब यहाँ पर कुछ tripwires बनानी है, बहुत ज़्यादा आसान है tripwire बनानी। And then मेरा ये वाला trap यहाँ पर set हो जाएगा। मैं तो बड़ा excited हूँ यार। मैं आजकल जो viral TikToks की videos बना रहा हूँ ना भाई साहब, क्या मजा आता है बना के इनको, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। Alright, सबसे पहले मैं एक बार टेस्ट करने वाला हूँ कि ये काम करता भी है कि नहीं करता है। ओके okay? इससे पहले कि मैं इस जगह पे अंदर छेद कर दूं, ओके okay? ये लगी है हमारी tripwire यहाँ पे। जैसे ही मैं जाऊंगा ये यहाँ पर काम नहीं कर रही है। ओके okay? कुछ ना कुछ गड़बड़ हमारी इस redstone के साथ है, तो मैं ऐसा करता हूँ मैं इसको जरा बार बार टेस्ट करता हूँ कुछ ना कुछ करके, एंड इसका मैं फिक्स ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ऑलराइट गाइस, मैं समझ चुका हूँ एक्चुअली मैंने गड़बड़ कहाँ करी है। मैं एक्चुअली में गाइस यहाँ पे इस ट्रिप वायर को एक्टिवेट करने के लिए जो रेडस्टोन का कनेक्शन है ये बाहर वाला ना, ये लगाना भूल गया था, जो कि हम लोगों को यहाँ से लगाने का है। लाइक दिस से, ओ यस हो रहा है ना। ऑलराइट, बहुत सही से काम करा गाइस। एंड अब इसको बस मेरे को यहाँ से कंप्लीट करना है ताकि किसी बाहर के बंदे को पता ना चले कि अंदर हम लोगों ने यहाँ पर ये लगाया हुआ है। तो इसके लिए गाइस मुझे कुछ और सामान लेकर आना पड़ेगा, बिकॉज जो इसकी एंट्रेंस है ना वहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि हम लोगों ने ट्रिप फायर हुक लगाई हुई है। जो हम लोगों को इतनी सारी कॉप वेब वगैरह मिली थी ना उस टाइम पर, अब जाकर काम आने वाले से दिस राइट। ऐसे करके यहाँ पर चार लगा दूंगा, किसी को शक भी नहीं होगा कि इसके नीचे कुछ हो भी सकता है। लाइक दिस एंड गाइस, इस साइड के लिए भी मैं यहाँ पर लगाने वाला डेड बुश को, एंड आस पास के इलाके पे भी मैं बहुत सारी जगहों पर डेड बुश लगा देता हूँ लाइक दिस, ताकि एकदम नॉर्मल लगे, एकदम नॉर्मल। दोनों की दोनों एंट्रेंस हमारी एकदम नॉर्मल लगनी चाहिए, बिकॉज अगर थोड़ा सा भी शक जाएगा किसी का तो हमारे इस ट्रैप के ऊपर नजर पड़ सकते है किसी की भी। एंड नाउ लास्ट थिंग गाइस, जो कि सारे के सारे डायमंड के एंड एमरल्ड के ओर्स को निकालना। ऑलराइट लेट्स गो। A few moments later. All right, everyone. मैंने इस पूरे का रूम के यहाँ पर एकदम सेट कर दिया है, एंड सही बता रहा हूँ बहुत ही सही ट्रैप है ये वाला। इतना खुराफाती दिमाग मेरा कैसे हो सकता है, मैं किसी और को मारने के लिए। मैंने इस रूम के बाहर यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया हुआ है, बीवेयर डू नॉट ट्राई टू स्टील एनीथिंग, बिकॉज जो भी आदमी यहाँ पर आएगा वो देखेगा वाओ लुक एट दिस। अंदर तो यहाँ पर डायमंड के एंड एमरल्ड के ओर्स रखे हुए हैं, वाओ। मैं ऐसा करता हूँ मैं इसको भी यहाँ पे छुपा देता हूँ, बिकॉज एक्चुअल में छुपा हुआ नहीं है। इस जगह पर मैं हर जगह पर डेड बुश लगा देता हूँ ताकि बिल्कुल भी किसी को शक भी ना हो, ये एकदम अबैंडन्ड प्लेस लगनी चाहिए राइट। यहाँ से मैं ये बेड को भी हटा देता हूँ, बिकॉज ये बेड मेरा इल्यूजन को रिवील कर रहा है। ओके okay, इन दो कॉपवेब को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ लाइक दिस। ओके यस, अभी एकदम अबैंडन्ड प्लेस लग रही है। सो गाइस, जैसे कोई यहाँ से आएगा एंड इनको चोरी करने के लिए आगे जाएगा, सी दे आर गोइंग टू डाई, बट मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि मैं यहाँ से आगे ना जाऊँ राइट, अदरवाइज मैं ही मर जाऊंगा। मेरा सारा का सारा गाइस डायमंड का आर्मर जो मैंने इतनी मेहनत से निकाला था वो खत्म हो जाएगा। एंड अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं इन एमुलेट्स को यहाँ पर कैसे निकाल सकता हूँ। तो गाइस, इसके लिए मैंने कुछ किया हुआ। यहाँ पर हमारी जो मेन एंट्रेंस है वो एक्चुअल में इस पिरामिड के बैक साइड से है, सारे के सारे ओर्स मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। जब जब मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी तब तब मैं अपनी सिल्क टच वाली डायमंड पिकैक्स इनको खोद दूंगा। तो बस मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि जो ये वाला पिरामिड है मैं खोद इसके पास कभी भी ना जाऊं, अदरवाइज। सो टेडी जी प्लीज आप सबको बताइए कि आपको ये वाला हैक कैसा लगा। स्मार्टी भैया, यह बहुत अच्छा था, और यह वीडियो और आपका पिरामिड ट्रैप विचार दोनों 10 में से 10 के योग्य हैं। थैंक यू सो मच टेडी, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा दिल से। एंड गाइस, ये वाला माइनक्राफ्ट हैक इतना ज्यादा एपिक था कि इसके लिए भी 1,00,000 लाइक्स बनते हैं इस वीडियो पे। पिछली वीडियो पे तुम लोगों ने 24 घंटे के अंदर 1,00,000 लाइक्स कर दिए थे। आई मीन तुम लोग भाई कई बार ऐसी ऐसी हरकतें करते हो कि मुझे हार्ट अटैक दिला दोगे कभी। और गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही था। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसी लगी है। बहुत ज्यादा मेहनत लगी गाइस इस वीडियो को मेरे को बनाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो सीरीज की बहुत ज्यादा जल्दी आने वाली है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसी लगी है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। अगेन लाइक है मैं 1,00,000 लाइक्स का, मुझे पता है कंप्लीट होगा। सो लाइक को ठोको तुम लोग इसी वक्त, और मैं मिलता तुम लोगों से ऐसी था नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ऑसम, बाय बाय, अलविदा अलविदा अलविदा।